हेलो, गुड मॉर्निंग राधे राधे। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के दारघाट, एक छोटे से गांव रलगांव से। और आज की ब्लॉगिंग मैं किचन से कर रही हूँ। सुबह 5 बजे उठ गए थे और केदार घाटी का मौसम इस तरह से है। केदारनाथ में तो यात्रा सीजन बहुत चल रही है आजकल तो, और हेली तो चल ही रहे हैं केदारनाथ के चक्कर मारने पर सुबह 5 बजे से। और यहाँ सुबह भर निकाल दिए मैंने चावल, तो अब मैं दिन का लंच भी बनाने की तैयारी करती हूँ। और यहाँ पर ला रखी मेरी हरी राजमा। आजकल गाय भैंसों को भी धूप हो रही है, मच्छी भी खा रही हैं, जंगली मच्छी होती यहाँ पहाड़ों में बहुत ज़्यादा। वो गाय भैंसों से खून निकाल देती है वो, तो गाय भैंस भी अंदर बांधनी पड़ती है 1-2 घंटा। और यहाँ पर मैंने पानी भर दिया है खाना बनाने के लिए। सुबह में भर देते हैं हम, शाम तक यही पानी चलाते हैं। और ऐसी तांबे की गागर है ये, और ये मेरी शादी की गागर है। और किचन में भी आ गई हूँ मैं, और अब बनाती मैं खाना। मिर्च तो मैंने पीस ली है और आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं। और मैंने मिर्च भी पीस दी है, इस नारियल की कटोरी पर रख दी है। इसमें मिक्स है जीरा, धनिया और घर की हल्दी होगी, लहसुन की कलियाँ होगी, ऐसी पीसी मैंने पत्थर के सिलोटे से। और यहाँ पर मैंने चावल भी बना दिए है, और इस प्रेशर का ढक्कन खराब हो रखा है, इसमें रखा है मेरे फ्राई पैन का ढक्कन। तो ये चूल्हे और एक एक लाइट और हमको जंगलात वालों ने दी है, इसमें हमने 1000-1000 रुपये जमा किए सब गाँव वालों ने। और हमको ये बहुत बड़ी काम की चीज़ दी जंगलात वालों ने। जो इंडेक्स चूल्हा दिखा रही थी मैं आप लोगों को, तो ये चूल्हा हमको जंगलात वालों ने दिए हैं। इसके लिए मैं फाटा मार्केट गई लेने के लिए। और जब लॉकडाउन लगा तो हमने जंगलाती में 1 महीना तक काम किया। वहाँ पर हमने पत्थर डाले और लेबरों के साथ हमने दिहाड़ी मजदूरी की। वहाँ नेपाल के लोग लगे थे, तो उनके 2-4 लोग हम गाँव के गए, 2-4 महिला, 2-4 ऐसे जेंट्स लोग, तो उन्होंने सबने हमने वहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी की। और खाना बना के भी मैंने तैयार कर दिया है, यहीं बाहर पर ला गई हूँ बरंदे में। तो पहाड़ियों का खाना जहाँ पर बना हुआ वहीं पर खाते हैं। इस प्रेशर पर बनाए मैंने चावल, और इस लोहे की कढ़ाई पर बनाया साग। और घास लेके भी आ गई हूँ मैं गाय भैंस को, दूध भी निकाल दिया मैंने, गौशाला का काम कर दिया है। और अब लगाती हूँ मैं चक्की, जो पीना मैंने दिन में सुखाया था उसको भी पीस के रखती हूँ मैं। अभी लाइट है तो लाइट का भी कोई भरोसा नहीं रहता पहाड़ों में, कब आती कब जाती। और तब रात की डिनर की तैयारी करते हैं। लेकिन नीचे से कर रही हूँ, और यहाँ जगोरा के खेत में आ रखे हैं। और आप लोगों को केदार घाटी का आसमान भी दिखाती हूँ मैं। और केदार घाटी का मौसम इस तरह से है। और उधर से है ये खेत, और यहाँ से वहाँ तक जो यहाँ पर ये बिच्छू का नाली दिख रही है आप लोगों को, तो इसको मैं एक बार काटूंगी। उसके बाद ये ठंडियों के टाइम पर पहाड़ी साग बनेगा इसका। और यहाँ से मंदाकिनी नदी भी साफ दिखाई दे रही होगी नीचे, तो आजकल बहुत कम हो गई है उसका जलस्तर भी। मेरी मम्मी ने पीठी पर कंडी भी लगा दी है, और झंगोरे की लवाई ना ऐसे की जाती है, ये देखिए। और कुछ इस तरह से होता है पहाड़ों में झंगोरा। और आधा खेत लवाई की तो कर दी ये हमने। देखिए इतना झंगोरा कर दिया है हमने, निकाल दिया है कंडी पे, अब और निकालेंगे। और काफी तेज धूप हो रही है मेरे को, और मेरे से ना धूप बर्दाश्त नहीं। छाव में बैठे हैं खड़ी के पेड़ के नीचे। झंगोरा भी हमने पूरा लवाई कर दिया, एक कंडी झंगोरा की होगी इस खेत में। और मोनिका ने वहाँ पर घास की धारी लगा रखी है। और अब चलते हैं घर, गाय भैंसों को भी धूप हो गई होगी, और फीस भी लगाई और भूख भी लगाई है, भयंकर धूप हो रही है। और आजकल पहाड़ों में 1-2 दिन से
लगातार धूप अच्छी वाली हो रखी है। शाम को तो मौसम पूरा ऐसे ही हो रहा है, बूंदाबांदी भी हो रही है, फिर भी सुबह के टाइम पर धूप अच्छी हो रही है। झंगोरे की बाली यहाँ पर मेरी सुखाने के लिए रखी थी, तो अब मैं इसको कट्टे पर उठाऊँगी और तब वहाँ पर रखूँगे और एक महीने के बाद इसकी मनाई करेंगे। वो पूरा सड़ जाएगा उसके बाद अच्छा होता है ये मनाई करने, तो पाँव से मनाई करते हैं। और उस टोकरी पर रखा है मेरा प्याज, तो इस साल का प्याज इतना ही बचा है, ये घर का प्याज है। और यहाँ पर बहुत सारे फूल हैं, कद्दू के फूल लग रहे हैं, तो ये कद्दू भी एक नहीं लग रहे हैं। और यहाँ पर ये पतेली छेनी के फूल हैं, कितने सुंदर फूल लगे हैं। और ये लकड़ी मैंने धूप सुखाने के लिए रखी थी, तो यहाँ पर रख दी है मैंने। और यहाँ पर जलाते हैं हम आग, तो यहीं पर मेरा पीना भी बनता गाय भैंसों के लिए, और पानी भी गर्म करती हूँ मैं नहाने के लिए इस टब पे। और जो संतरा मैं पहाड़ों में इनको मेल्टा बोला जाता है, तो यहीं पर लगे हैं बहुत सारे मेल्टी लगे, तो अभी तो हरे हैं और सर्दियों में ये अच्छे पक जाते हैं। और यहाँ पर पूरा ऐसा घास हो रखा है ऐसी चट्टान पर, तो ये हमारा मकान के पीछे है ये चट्टान, तो यहाँ पर बहुत सारा घास हो रखा है। यहीं पर मेरे मीठे करेले की बेल लगा रखी है, मतलब ऊपर जा रखी है, तो एक भी करेले नहीं लगे अभी तक। यहाँ पर हमारी पूरी बरसती फाड़ दी इसने, यहाँ किचन की पूरे ऐसे बर्बाद कर रही है बिल्ली, यहाँ पर खाली यहीं पर खेल रहे हैं। तो आजकल हमारे जो यहाँ छत ये भी अच्छी हो गई है, मैंने ऐसे झाड़ू लगा लगा कि ये भी पूरी आजकल ये जो शवला है वो भी साफ हो गया है यहाँ छत की। पहाड़ों में ऐसी लग जाती है बीन्स, तो इसको हम छेमी बोला जाता है पहाड़ों में। यहाँ पर मेरी तुरई बो रखी थी ऊपर कंटर में, तो ये ऐसी चींटी लग रखी है इस तुरई के फूलों पर, तो ये चींटी सब खा रही है इस फूलों को, ऐसे बर्बाद कर रही है। एक भी इस साल एक भी तुरई नहीं लगी इस पर, तो बहुत बड़ी बेल हो रखी, इधर से चले गई ये बेल और यहाँ तक चले गई। और केदार घाटी का आसमान ऐसा है अभी 5 बजे का आज का। अभी मैं खेतों का नज़ारा दिखाती हूँ यहाँ का। और जो खेतों में जो अनाज था वो इस साल तो पूरा बर्बाद हो गया है ठंड की वजह से, पका भी नहीं। अभी झंगोरा की लवाई हो रही है, इसके बाद धान की लवाई होगी, तब मनवा की लवाई होगी, और इस साल तो खाली ठंडा ठंडा लग रहा है। इतनी बड़ी काकड़ी की बेल है यहाँ पर, उधर तक जा रखी है, एक भी ककड़ी नहीं लगी। और यहाँ पर जो राजमा दाल बो रखी थी पूरे किचन पर तक जा रखी है, बहुत सारी राजमा लग रखी है। 6 भी बज गई है, और अब जाती हूँ मैं गौशाला गाय भैंसों से दूर निकालती हूँ और गाय भैंस अंदर बांधती हूँ, उनको चारा पत्ती देती हूँ। और आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक लिए जय देवी जय उत्तराखंड, मिलती हूँ अगली वीडियो।